बड़ी खबर, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व वाली राज्य गठबंधन सरकार की हिस्सेदारी रही शिवसेना के तेवर सांसद के शीतकालीन सत्र में एकदम बदले दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी वर्षा से किसानों की फसलों को हुई भारी क्षति के मुद्दे पर शिवसेना सांसदों ने यह सत्र के पहले दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। बाद में लोकसभा में भी जोरदार नारेबाजी की और वॉकआउट किया। सेना महाराष्ट्र के किसानों के लिए 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रही है। उसके सांसद जो पोस्टर उठाए हुए थे उस पर लिखा हुआ था, महाराष्ट्र राज्य को तुरंत प्राकृतिक आपदा ग्रस्त घोषित करो। संजय राउत और अरविंद सावंत इसका नेतृत्व कर रहे थे, जबकि कृपाल तुमाने आदि सांसदगण भी नारेबाजी में व्यस्त रहे। इसके पूर्व सोमवार को प्रातः 10:30 बजे सेना सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर लगे छत्रपति की प्रतिमा के पास धरना देकर प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र के किसानों को न्याय देने की मांग की। लोस की बैठक शुरू होने के बाद सेना के सभी सांसद खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। सांसदों की मांग थी कि सदन में सभी कामकाज रोक कर पहले महाराष्ट्र के किसानों पर आई प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो और सरकार मुआवजे पर फैसला करे।